ओके स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। ओके, प्रॉब्लम इज क्राइ इन ए चैम्बर, कोई चैम्बर है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 डॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है वो कितना है, B इज इक्वल टू 6.5 डॉस का गिवन है। जो ऐसा यूनिट है इसका वो होता है टेस्ला, तो हम इसको टेस्ला में यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा। इस मेंटेन उस जो चैम्बर है उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड आपने मेंटर किया हुआ है, ए एन इलेक्ट्रॉन शॉट इनटू फील्ड विद द स्पीड, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो कितना गिवन है, 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें एंटर कर रहा है। नॉर्मल टू द फील्ड, जो फील्ड की डायरेक्शन है माने थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, फील्ड के नॉर्मली वो एंटर करता है। ओके, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कल, जो इसका पाथ होगा वो सर्कुलर क्यों होगा, इसका पाथ सर्कल की फॉर्म में क्यों होगा, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज जो फोर्स अप्लाई होता है वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, और उसकी वजह से उसका जो पाथ है बैंड होता रहेगा और एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर सर्कल को फॉर्म करेगा। ओके, अगर उसका पाथ सर्कुलर है ये बात हमें क्लियर है। अब कह रहा है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिटल, और उसके जो सर्कुलर ऑर्बिटल है उसकी रेडियस भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सर्कुलर ऑर्बिटल के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, दैट इज mv ओवर q। m का वैल्यू, m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। इसका वेलोसिटी की बात करें तो किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, 4.8 × 10⁶, सब कुछ आपको गिवन है। चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी वैल्यू आपको गिवन है 6.5 × 10⁻¹⁴ टेस्ला। सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 43.68 × 10⁻²⁵ हो जाएगा ये पावर ऐड करके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 10.4 × 10⁻²⁰। और आगे सॉल्व करेंगे तो जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है उसका वैल्यू आ जाएगा r इज इक्वल टू 4.2 × 10⁻²⁰ मीटर, या फिर मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसी के 4.12 में माने इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमसे पूछ रहा है कि इसी क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूं तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2πr/v, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v/2πr। ओके, p/2πr, यहां से मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूं, f जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मुझको गिवन है 4.8 × 10⁶ / 2πr, 2π का वैल्यू पुट करते हैं 28/7, r कितना है 4.2 × 10⁻²। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे f का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8 × 10⁵, ठीक है, हर्ट्ज, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू 18 MHz। ठीक है, 18 MHz फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो ये हो जाएगा 18 MHz। बट अगर इस फॉर्मूले से मैं देखूँ तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, फ्रीक्वेंसी का पे डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, बट एक्चुअल में कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, बिकॉज r का जो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था वो कहता है mv/qv। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के इसी फॉर्मूले में r का वैल्यू पुट करूं तब उसको क्या मिलेगा, देख लेते हैं, f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, v/2πr लिखा है मैंने, v/2πr, देखिए टाइम पीरियड 1/T होता है, t क्या हो जाएगा 2πr, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो v/2πr आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अगर मैं v/r का वैल्यू यहां से जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको पुट करूं तब मुझे क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू रहेगा v/2πr, और r के प्लेस में मैं पुट कर सकता हूं mv/qv, तो v से t कैंसिल आउट हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qv/2πr। तो ये फॉर्मूला हमने अभी पीछे वीडियो में इसको फाइंड आउट किया है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो एक्चुअल
में फ्रीक्वेंसी जो है चार्ज पार्टिकल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते, जो सर्कुलर टाइप में मूव करेगा उसका फ्रीक्वेंसी उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूले को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फाइनली जब आर का कैलकुलेट करेंगे अगर इस पर डिपेंड करता है तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों का रेशियो क्या है इंडिपेंडेंट हो जाता है वेलोसिटी से। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट हो जाता है वेलोसिटी से। इज इट क्लियर? जो 50 पार्टिकल एंटर कर रहा है उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट रहता है फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप बच्चों मैं आपको जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आप तक मैं पहुंचा पाऊंगा। ओके।